Hey guys, this is your friend Salim Khan and I am an Indian seafarer. My passion is sailing and this is my YouTube channel Seafarer Salim. Please watch my all videos, like my videos, comment my videos and also share. And who is new in my channel, please subscribe to my channel and press the notification bell icon for new videos updates. And come on my Instagram and follow me and ask me any question if you have any doubts. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिप सेलर सलीम। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो फाइनली मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है फिनिश और मेरा होने वाला है साइन ऑफ। तो कुछ ही दिन बचे हैं मेरा साइन ऑफ होने में, तो मैंने सोचा साइन ऑफ व्लॉग बनाया जाए। वैसे भी इस बार मैंने बहुत कम वीडियोज़ अपलोड किए हैं, आई थिंक 2 वीडियोज़ ही अपलोड किए, बट और भी वीडियोज़ रेडी हैं जो कि मैं साइन ऑफ करने के बाद सारी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो साइन ऑफ के टाइम दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला तो अपने रिलीवर के लिए अपना कैबिन साफ कर दीजिए। वैसे नहीं कि गंदा छोड़ के चले जाओ, बाद में रिलीवर बोले कि गंदा आदमी था, ऐसे कैबिन गंदा छोड़ के चला गया। सो लास्ट संडे मैंने कैबिन क्लीन कर दिया है, कैबिन बिल्कुल साफ हो चुका है। एंड नेक्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी जितनी भी टायर बुक्स वगैरह है वो सारा कंप्लीट कर लो। चीफ ऑफिसर कैप्टन जिसके भी साइन चाहिए सबके साइन ले लो। एंड फाइनल लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पैकिंग। तो पैकिंग अभी मैंने नहीं की है क्योंकि चॉकलेट्स वगैरह बैग में रख के इतने दिन से अच्छा नहीं है। तो ज़्यादा तो शॉपिंग हुआ नहीं इस बार क्योंकि शोर लीव नहीं था, बट फिर भी काफ़ी शॉपिंग हो चुका है। तो अभी हम करेंगे पैकिंग और फिर देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हैं अब अभी सब कुछ सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है, बैग यहाँ पे रेडी है। बैग में मैंने कर ली है स्टेंसलिंग शिप सेलर सलीम और सब कुछ पैक करना है अभी। और बाहर का वेदर आप देख सकते हो, आज बहुत ही अच्छा वेदर था, बारिश हुआ काफ़ी अच्छा है, मौसम ठंडा हो चुका है। और जल्दी हम पहुंचेंगे अपने डिस्चार्ज पोर्ट पे और साइन ऑफ होगा हमारा। तो चलते हैं पैकिंग करते हैं। सो फाइनली पैकिंग डन हो गई है एंड लगेज बहुत ही ज़्यादा हो गया है मेरा, देखते हैं क्या होता है। बट फाइनली पैकिंग कंप्लीट, अभी टेंशन ख़त्म हमारी पैकिंग करने के बाद। हे गाइस, तो फाइनली आज साइन ऑफ का दिन आ चुका है और अभी बज रहे हैं 9, हम लोग 10 बजे निकलेंगे। सारे बैग हो गए हैं रेडी, अभी लगेज को थोड़ा बाहर निकाल के रख देते हैं जिससे बाद में एक साथ काम ना बढ़े हमारा। तो देख सकते हैं मेरा एक बैग ये है, एक बैग ये है, एक बैग ये है और एक बैग ये है, ये सारे बैग हैं मेरे। तो चलते हैं इसको निकालते हैं, लेके चलते हैं बाहर। ये
शिप सेलर सलीम। बैग का वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी देखते हैं। 40 kg तो है फ्लाइट में, बट कितना एक्स्ट्रा जाएगा वो मैं पे करना पड़ेगा मुझे। बैग निकल गया है बाहर और हम लोग साइन ऑफ कर रहा है। हेलो, चलते इधर के लिए ऑपरेटर के साथ ले लो भाई। के सामने बैग का सामने बैग लेना, बैग हाँ बैग ट्रेन ट्रेन से बैग सारा आ रहा हो रहा है। बैग में कोयला आ रहा है, कोयला नहीं है, लाइमस्टोन है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली हम लोग साइन ऑफ करे कल शाम को, और अभी कैलकाटा में हैं एयरपोर्ट पे, सॉरी होटल में। तो कल रात को हम लोग अर्ली मॉर्निंग 3 बजे होटल पहुंचा था, सो टाइम नहीं मिला, आगे सो गया, कुछ वीडियो नहीं बनाया। तो अभी सुबह हो चुकी है एंड हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। हमारी फ़्लाइट 10:30 की है और अभी 8:30 हो रहा है। एयरपोर्ट बाजू में ही है, सो थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, तो मैंने सोचा होटल दिखा देते हैं। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा होटल दिया है, तो चलिए देखते हैं होटल को। ये है होटल का मेन डोर, ये कबर्ड है और बाकी सब देख सकते हो आप। छोटा सा फ्रिज है, इधर वॉशरूम है, और इधर एक चेयर है, सोफ़ा है छोटा सा। बेड बहुत ही अच्छा था, मैट्रेस काफ़ी अच्छे थे, अच्छी नींद आई 2-3 घंटे। और ये व्यू तो आप देख ही सकते हो उधर से, काफ़ी अच्छा। अगर 1-2 दिन का स्टे होता तो थोड़ा और मज़ा आता। वो सामने आप देख रहे हैं ना, वही है एयरपोर्ट हमारा। जस्ट सामने आपको जो बिल्डिंग दिख रही है वो एयरपोर्ट है। तो 15 मिनट ही लगेगा एयरपोर्ट जाने में, तो बस अभी इधर से निकलेंगे हम लोग सीधा एयरपोर्ट के लिए। सो फाइनली आज घर जा रहे हैं, मैं लखनऊ पहुंचूंगा अराउंड 2:30 को दिन में। अभी कनेक्टिंग फ्लाइट है कैलकाटा टू दिल्ली, दिल्ली टू लखनऊ। सो फैमिली वाले आ रहे हैं घर लेने मुझे घर से। तो चलिए व्लॉग में और देखें क्या क्या दिखाएंगे आपको, मज़े करते रहिए। तो गाइज अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, चेक इन कर लिया है एंड मेरी फ़्लाइट है 10:30 की, बट अभी फ़्लाइट डिले हो गई है, आधा घंटा मेरी फ़्लाइट डिले है। सो 10:30 की फ़्लाइट है, तो मैं भी 11 बजे की फ़्लाइट रहेगी इधर से। तो अभी एयरपोर्ट पे हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं। तो मेरे साथ जितने लोग थे सब लोग फ्लाई कर चुके हैं, अभी सिर्फ मैं अकेला एयरपोर्ट पर हूँ। तो थोड़ा इधर टाइम पास करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है आगे। बाहर आप देख सकते हो पूरा एयरपोर्ट, कैलकाटा का एयरपोर्ट है ये। फर्स्ट टाइम इधर मैं आया हूँ कैलकाटा एयरपोर्ट पे।
तो गाइस फाइनली बोर्डिंग हो गई है, बोर्ड करने जा रहा हूँ मैं फ्लाइट, और इधर से 2.5 आवर्स लगेगा दिल्ली के लिए। फिर उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगता है उधर। 1 घंटे का ओवर लिया है, 1 घंटा तो फटाफट निकल जाएगा, तो चलते हैं इधर पे, देखते हैं।